अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बना रही हूँ अली के दादी के किचन में भोपला, भोपले की सब्जी। इसको ना कट करने का, इसको छिलका उतार के पहले इसको छोटे छोटे पीस में काट लेने का ऐसे। इसको थोड़ा धोती हूँ मैं अभी, और इसमें एक खुरचेला नारियल गिल्ला, एक प्याज, थोड़ा कड़ी पत्ता और कोथमीर, एक दो हरी मिर्च और एक कश्मीरी लाल मिर्च रखी। बनाने का स्टार्ट करते, इसमें तेल, तेल को अच्छा गर्म होने देंगे। इसमें डालेंगे थोड़ी राई, जीरा, कड़ी पत्ता और लाल सूखी मिर्ची, हरी मिर्ची, कांदा, कांदे को हल्का फ्राई होने देना, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा नारियल इसमें भी डालने का। कांदे को ज़्यादा फ्राई नहीं होने देने का, कांदा और ये थोड़ा नारियल डाले ना, थोड़ा हल्का खुशबू जैसा फ्राई होने का। हल्दी, ज़्यादा मसाला नहीं लगता इसमें, एकदम सिंपल बनता है, बहुत टेस्टी भी बनती है सब्जी, अपने सेहत के लिए भी अच्छी है, ज़रूर ट्राई करना आप लोग। कैसा इसमें नमक अपने हिसाब से डालेंगे वो। अच्छे से मिक्स करेंगे, इसमें पानी वानी नहीं डालने का, इसको खाली ढक के एक 10 मिनट नरम होने तक पकने देने का, बस स्लो आंच पे। बीच में एक बार थोड़ा इसको नीचे ऊपर करने का, ये हो गया है लगभग। इसकी सब्जी बहुत अच्छी बनती है, बहुत टेस्टी बनती है, आप लोग ज़रूर ट्राई करना। ये गल गया अच्छा से, खाली नरम ही तक उसको पकने देना, पानी वानी नहीं डालना, ऐसी पकने देना उसको। धनिया, थोड़ा खुरचेला नारियल, बहुत टेस्टी लगती है सब्जी ऐसी बनाएंगे तो। थोड़ा एक 2 मिनट के लिए ढकेंगे इसको, बस बंद करो। दिखा अब ये तैयार है। ये सब्जी तैयार है, इसको रोटी के साथ खाओ, खिचड़ी के साथ खाओ, ऐसे भी खा सकते हैं। और ये तो क्या बहुत अच्छी सब्जी है, आप लोग ज़रूर ट्राई करना। ये डाइट करने वाले तो बहुत खाते हैं ये सब्जी को, आप लोग भी खाना, और अच्छी भी लगती है। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।